दोस्तों आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। एक छोटी सी ट्रिक जरूर है लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है कि आप टैली में मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी एक कंपनी में हो या अलग अलग कंपनी हो। जैसे कि आपने फाइनेंशियल ईयर वाइज आपने कंपनी बना दी तो उसमें से भी जो है आप अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, या किसी ग्रुप का आपने कंपेयर करना है, किसी लेजर का कंपेयर करना है, तो हर तरह की रिपोर्ट को आप टैली में कंपेयर कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे आपको पूरा कंपेरिजन मिल जाएगा। अब इस रिपोर्ट को आप टैली में कैसे देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की रिपोर्ट है ये, कभी ना कभी आपको ज़रूर काम आएगी। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, कहीं पे भी मिस मत करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टैली में किसी भी रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को कंपेयर करके दिखा लेता हूँ, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लेजर और ग्रुप वगैरह को भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो बैलेंस शीट में चलते हैं सबसे पहले। जैसे कि बैलेंस शीट है, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो बैलेंस शीट है हमारी, ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट है। अब हमें देखना है कि भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या बैलेंस शीट थी। अगर हमें एक ही स्क्रीन पे उसको कंपैरिजन करना है, चाहे वो 1 साल का 2 साल का 3 साल का, तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको क्वार्टरली भी कंपेयर करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को, तो आप इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर ऑटो कॉलम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने 4 वीक यानी कि 1 मंथ का देखना है, या मंथली देखना है, या क्वार्टर देखना है, तो यहाँ पर आप क्वार्टरली चूज कर लेंगे। तो ये देखिए ये आपके चारों क्वार्टर आ गए। अब चारों क्वार्टर में कैपिटल अकाउंट कितना था, लोन एंड एडवांस, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये देखिए ये जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये एक कॉलम हो गया यानी कि ये जून 2023 तक का है, ये जून से और ये 1 जुलाई से लेके सेप्टेम्बर का है, और 1 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का ये हो गया, और इससे आगे का यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक का ये हो गया। आप चाहें आप इसको प्रिंट लेना चाहें तो आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, आप चाहें इसको एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ये क्वार्टरली दिखाया, अब आप इसको मंथली करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक पीरियड का भी देखना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने पीरियड डालना है। जैसे कि एक तो आपका ओपन हो ही रखा है, जो ये पीरियड है ये तो आपका ओपन हो रखा है पूरे साल का, यानी कि 31/3/24 तक का। अब अगर आप यहाँ पे न्यू कॉलम करेंगे, आपने देखना है पिछले साल का, तो आप यहाँ पर 1/4/22 से 31/3/23 अगर आप यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पे करेंसी सिंबल वाइज और फीफो लीफो मेथड के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, एक्चुअल है या फिर आप इसको एक्चुअल देखना चाहते हैं या पोस्ट डेट ओनली देखना चाहते हैं, तो जो भी है आप उस तरह से यहाँ पे फिल्टर वैल्यू टाइप चूज कर सकते हैं। तो हम एक्चुअल देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2023 से लेके और 24 में इस तरह का कुछ ये दिखा रहा है। अब ये पूरा जो है नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जो डाटा है ये 1 अप्रैल 2022 से ही है, तो 1 अप्रैल 2022 से। अब चलिए यहाँ पे ये ऐसा तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक दूसरी कंपनी को भी ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको भी ओपन कर दिया है। ये भी ओपन कर दिया है। अब मेरे को इन दोनों कंपनी को, इसका भी मैं देखूंगा, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर इसका भी 1 अप्रैल 2023 है। अब इन दोनों कंपनी को मेरे को अगर कंपेयर करना है तो पहले हम चले जाते हैं इस कंपनी में। अब इस कंपनी में बैलेंस शीट पे जाते हैं। अब ये जो सिर्फ बैलेंस शीट के लिए नहीं, आप हर तरह की रिपोर्ट को भी यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू कॉलम करूँगा, अब कौन सी कंपनी से देखना है, जैसे कि मेरा ये वाला जो भी बैलेंस शीट है ये मेरा ABCL प्राइवेट लिमिटेड है, और कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2023 से 31/3/24 तक का है। अब मेरे को दूसरी कंपनी का भी सेम पीरियड का देखना है, तो यहाँ पे न्यू कॉलम करूँगा, अब मैं दूसरी कंपनी चूज़ कर लूँगा, ठीक है। बस आपकी वो कंपनी ओपन होनी चाहिए टैली में। तो उसके बाद इसका भी सेम पीरियड मैं देख रहा हूँ, करेंसी बेस हो गया, डिफॉल्ट हो गया और एक्चुअल हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको दोनों कंपनी का एक ही स्क्रीन पर यहाँ पर कंपेरिजन मिल रहा है कि भाई इसका इसका कैपिटल कितना था, उसमें कैपिटल कितना है। जैसे इसमें इतना है, इसमें है ही नहीं। अब इसमें देखेंगे लोन्स इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें करंट लायबिलिटीज इतनी है, इसमें नहीं है। अब ऐसे कर सकते हैं, अब ऐसे जितने मर्जी चाहें आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, या जितने मर्जी कंपनीज का चाहे आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं।
अब यहीं पे अगर आपने ऑटो कॉलम कर दिया तो आपने मंथली देखना है तो मंथली भी देख सकते हैं, दोनों कंपनी का एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपने किसी ग्रुप का करना है, एक्सपेंस का करना है, ग्रुप का करना है, जैसे कि हम डिस्प्ले में जाते हैं, अकाउंट बुक में जाते हैं और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का देख लेते हैं। जैसे कि हम देख देते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर न्यू कॉलम करूँ, अभी हम ABCL प्राइवेट लिमिटेड में कर रहे हैं, अभी हम न्यू कंपनी करते हैं और हम दिल्ली वाली में भी ले लेते हैं और इसमें भी सेम पीरियड रखते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे जो है इस कंपनी से पिक कर रहा है, यहाँ पे इस कंपनी से पिक कर रहा है। आप चाहें किसी दूसरे लेजर को भी इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अल्टर करना है तो अल्टर भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर न्यू कॉलम जाएँ, किसी दूसरे लेजर से अगर आपने कंपेयर करना है तो आप वो भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को हमें सेल्स या हमें करना है एक्सपेंस से, ठीक है, मान लीजिए एक्सपेंस से कर लेते हैं। हालांकि एक्सपेंस से कंपेयर करना कोई इसका मतलब तुक नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से करते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी लेजर से, किसी भी ग्रुप से जो है और किसी भी लेजर से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि उसका आप यहाँ पे F12 करेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ये अगर आप यस कर देंगे टोटल कॉलम और परसेंटेज भी देखना चाहते हैं परसेंटेज भी कर देंगे तो यहाँ पे टोटल ट्रांजेक्शन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देगा कि नेट ट्रांजेक्शन कितनी है। अब आपको मतलब अलग अलग रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने पहले एक कंपनी से एक्सपोर्ट किया फिर दूसरी कंपनी से एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे आप आराम से एक चीज़ कर सकते हैं। अब ये जो काम है ये आप किसी भी रिपोर्ट में जाके कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका बैलेंस शीट हो, स्टॉक समरी हो, स्टॉक समरी में भी आप आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। न्यू कॉलम, ऑटो कॉलम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक ही देखना है कि भाई स्टॉक को पिछले साल से कंपेयर करना है तो या दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है तो यहाँ पे आप न्यू कॉलम करिए, दूसरी कंपनी चूज करिए, पीरियड डालिए और यहाँ पे डिफॉल्ट में ले लीजिए। अब देखिए इसमें इतनी वैल्यू है, इसमें वैल्यू बहुत कम वैल्यू है, देखिए इतनी कम वैल्यू है तो इस तरह से, या इतना कम स्टॉक है तो इस तरह से आप जो है अपनी कंपनीज के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपनी रिपोर्टिंग को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर आपके कुछ कमेंट हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।